पायल गई हुई एग्जाम देने, एक्चुअली पायल एग्जाम देने गई हुई है और मम्मी पायल के साथ गई हुई है, तो आज सुबह का खाना मैं ही बना रही हूँ। तो चलो, वैसे मम्मी सारे प्रिपरेशन करके गई हुई थी, मुझे बस पकाना है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आलू की चटनी और अभी मैंने एक पराठा बनाया है, तो ये गोल तो नहीं है, सो प्लीज इग्नोर इट। मुझे जैसा कैसा आता था मैंने बना दिया एंड धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो चलो फटाफट दूसरा पेड़ा बना लेते हैं। हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली एंड इस फैमिली के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जज करते हैं, तो अब मुझे किसी की टेंशन नहीं लेनी है एंड मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। एंड काफ़ी परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेलसी के चक्कर में किसी ने मेरे 1 मिलियन वाले अकाउंट पे कुछ करवा दिया है। अब मुझे उस शख्स का नाम तो नहीं पता कि वो कौन है, क्या चाहता है, उसने ऐसा क्यों किया। बस ये है कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो दुख तो होता ही है ना जब आप मेहनत करो और फिर आपके साथ ऐसा हो। तो बस मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान अपने आप देख लेंगे, जिस किसी ने मेरे काम के साथ बुरा किया है भगवान अपने आप देख लेंगे। सो अभी मैं बना रही हूँ गोल गोल पेड़ा। मुझे प्रॉपर मतलब सब कुछ आता है, बस कुकिंग में थोड़ी सी मार खा जाती हूँ, रोटियों में गोल नहीं बनती, पका लेती हूँ वैसे तो अच्छे तरीके से। ओके तो मैं अच्छे से गोल पेड़ा बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। बट ये है कि मम्मी लोग जैसे कितने सालों से बना रही हैं, 10-20 साल हो गए हैं ना, तो उन्हें प्रैक्टिस हो गई, उनकी स्पीड बढ़ गई है। अब हम लोग तो कभी कभी बनाते हैं। एंड यस गाइस, मैं एडमिशन भी ले रही हूँ एमए में, मास्टर्स में, और पढ़ाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये फील्ड सिर्फ एक टाइम पास है और मैं इसको काफी दिल से लगा रही थी, तो मैंने काफ़ी सोचा, फिर काफ़ी स्ट्रेस भी हुआ, तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। तो मेरी फ्रेंड तो यही कह रही थी कि क्या करेगी पढ़ के, फिर मैंने बोला कि यार घर पे पढ़े पढ़े बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ओह छोई निकल गई थी। तो हमारा पराठा भी बन गया और हमारी चाय भी बन गई है, तो चलो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पराठा एंड दिस इज अवर चाय। एक्चुअली मम्मी बना के गई थी, बस मैंने गरम की है। ओके और ये हमारी स्टफिंग, तो मैं इसको ऐसे मोमोज की तरह ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। पराठा धुल गया एंड मेरी चिमनी ऑन कर दी है एंड कानू जी को फटाफट पानी पिला देते हैं, इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। ओह शिट, अब नहीं पी रहे, तब तो पी रहे थे, कैमरा ऑन करते ही नहीं पीते। ओह शिट, नहीं पी रहे। कल आया था बहुत तगड़ा तूफान और अब हम जा रहे हैं पानीपत घूमने फिरने एंड आई एम रेडी। बेसिक कपड़े पहने को रेडी वेडी नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ भी लगा रखा फेस पे, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी वो भी जल्दबाजी में। तो चलो और फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं एंड यार विदाउट लाइटिंग विदाउट सो इरिटेशन। क्या यार मैं ब्लॉगिंग करना ही भूल गई, कितना थपर थपर बोलती हूँ मैं, ऐसे मेरे फेस पे ग्लो आ रखा है ना, आना ही था डेली धूप पीती हूँ। गाइस एज यू कैन सी देखो कितना तूफान आया था, सब कुछ मंगा ले फटाफट के, मंगाना है देख ले। बर्गर आ चुका है कुछ इस प्रकार, दैट्स टेस्ट। इस
मैंने कल रात अपने हेयर में ऑयलिंग की थी एंड नाउ आई विल अप्लाई मास्क मेरे बालों में. लेट्स सी कैसे लगाती है. फिर आज फर्स्ट डे है, आज ये लगाएगी, फिर तो मैं ही लगा लूंगी. देखते जाओगे. तूने भी लगाया है क्या? तो मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं. बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है. थोड़ी सी ठंडी है. इसको लगा के आधा घंटा लगा के रखना है, फिर सर धो लेना है. जिसके पे बहुत ज्यादा ड्राई हो वो घंटा भी रख सकते हैं, और जिसके घने ड्राई हो डेढ़ घंटा रख सकते हैं. वैसे कोई ड्राई किसके होते नहीं होंगे जितने मेरे हैं. और दो मुई अभी, और ट्रिमिंग भी कराई थी मना तो मैंने. तू घने घने कटवा कर नाश कर रहा था. मैं हमेशा लिटिल लिटिल ट्रिमिंग करानी चाहिए. चुकर मैंने मेरे बर्थडे पर नहीं कराई थी, क्या करो तू इतनी इतनी कर दे बस. फिर वो ने बोला कि दो मुई तो इतने निकालने पड़ेंगे. फिर भी मैंने लिस्ट करवाई थी बिल्कुल. तो फिर उसका बेनिफिट भी होगा ट्रिमिंग का, तो मेरे हेयर ग्रो जल्दी होगी. अगर मैं ज़्यादा कटवा लूँगी ना फिर उतनी लेंथ मेरी जान में टाइम लग गया. दही में कुछ मिक्स भी किया है क्या? ओनली दही लगाई है गाइस हमने. अब देखते इतनी केयर करके क्या मिलता है. क्योंकि 700-800 रुपए का हेयर मास्क लाने से अच्छा आप दही लगा लो 20-30 रुपए ही. लेट्स सी इसके बाद हमारे हेयर कैसे होते हैं. ये काइंड ऑफ वो है क्या कहते हैं इसको, कंडीशनर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनर. इट विल मेक योर हेयर स्मूथ एंड सिल्की एंड गिव योर हेयर लॉट्स ऑफ प्रोटीन. इट विल रिपेयर डैमेज्ड हेयर. अभी तुम्हें मुंडी नीचे करना होगा. मुंडी के छोटी सी छोटी छोटी सी हां कॉटन की है ये. ठीक है कितनी प्यारी है. अभी तुम्हें इधर सेंटर में ये कच्ची कर करती है कि हां बॉडी नहीं है. एवरीवन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. बहुत ही बाद में शो मेरा व्लॉग. सो आज मैं रेडी हुई हूं भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी कुरुक्षेत्र आए हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं. तो देखते हैं मिलते हैं या नहीं. गाइस हम कार में बैठ चुके हैं. जो विद्वान होता है वो बहुत अच्छा परिणाम आप
होंगे उसमें दिक्कत क्या है? अगर विद्वान भी हो ऐसा भी है तो क्या दिक्कत है? रावण भी तो रावण ही रहा, ऐसा क्या है? बात तो ठीक है, बात सही है, आपका कहना ठीक है। एक पिता के विपुल कुमार पृथक पृथक हुए, पर हनुमान जी विद्यावान वाली बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने तुम्हें जो भी दिया, रूप गुण ज्ञान कला बल बुद्धि विवेक निपुणता पारंगतता से भर जाना। हनुमान जी का क्या हुआ? चारों युग हम तो कहीं पर भी आकर अपना उद्धार करवा लेते हैं, अपने प्रभु को अपने नगर में बुला। वह भक्ति है श्री हनुमान जी के पास, इसलिए भक्ति को पाने के लिए भी हनुमान जी के चरण पकड़ना जरूरी। लेकिन एक बनने चाहिए आचरण, भगवान के पकड़ने चाहिए चरण। लोग वक्ता को पकड़ते हैं, वक्ता को अब हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां हैं उनमें आठवीं सिद्धि कौन है इस पर चर्चा सुन बताओ। उसको ठेका दे दो, पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। आपको हॉस्पिटल खोलना है उसके लिए भी कंपनियां बनी हुई। परिणाम परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विभीषण जी जो एमएलए भी नहीं थे वो लंका के राजा बने। कल विराम दिन की कथा कितने बजे होगी? हाँ, दुबई में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहां पर भी आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए हमें जाना है। तो यहीं से हम कल 1 बजे कथा विराम करके सीधे निकल जाएंगे कि भक्ति बनी रहे। आप लोग सदा मुस्कुराते रहो, प्रभु के गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो और बागेश्वर धाम आते जाते रहो। अब आज की कथा विराम करते हैं। बोलो सीता राम हरे, बोला राजा राम सी बाबा की, हरियाणा के पागलों की। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, हम तो छोटे। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, ओ तेरी आरती बालाजी, तेरी आरती कंडुबे बसाकर तेरी मूर्ति उतारू बालाजी, कुछ नहीं मेरा। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। तो आइए, ऐसा सद्गुरुदेव जी का आदेश हुआ, बहुत ही पावन पवित्र भजन सभी मिलके गाएंगे, दोनों हाथ उठा के जयकार करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम के दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर और तालियां बना के राम के थे राम के सपना। I'm
सब दुख सहेंगे, धर्म के मार्ग में सब दुख सहेंगे, धर्म के दर्शन कर लिए और काफी अच्छा लगा और काफी नजदीक से देखा, मतलब ये एक ड्रीम ही था उनको, मतलब नजदीक से देखने का, क्योंकि हम दो बार बागेश्वर धाम गए नहीं देख पाए, बट स्टिल देखो भगवान की क्या खुशनसीबी थी, हमने यहाँ से नजदीक से देखा, इतना नजदीक कर रहा था, बस भीड़ बहुत ज्यादा थी बट ठीक है, इतनी भी नहीं थी, यहाँ के लोग थोड़े कोऑपरेटिव थे क्योंकि लैंग्वेज में बैरियर्स नहीं आ रहे थे, कुरुक्षेत्र के आदमी पति लड़न कर रहे थे। चलो अब हम जा रहे हैं, 10:30 हो गए हैं, काफी अच्छा लगा, फाइनली देख लिया, देख लिया, सो हैप्पी। हाँ मम्मा, खुश हो? तो बहुत खुश हूँ, दिल तो है। जिस व्यक्ति को तुम फोन में देखती थी रियल में देख लिया है। बताओ बाबा के दर्शन कर खातर गई थी, अभी बाबा के दर्शन कर पाऊंगी, जी तड़प रहा था, अरे नहाने लगी थे पूछा नहीं पाई, अले गाड़ी में बैठी उड़ा गई और उड़ता अपना गाड़ी में बैठे, बड़ी एक सेकंड खातर भी उड़ा पर नहीं गई, अले राम जाना वाचा है ना, किसी ने चोरी करी काटी या उड़ा गिर गई राम जाना, और मैं तुम्हें सोचू उस दिन की वाचा है और फीते कोलियाँ गिरी सपरे तो नहीं आवा घर घर थी, मैं घर गई थी वहाँ ब्लॉक मारी चाय न और उड़े गायब चाहे किसी ने गले में दवा काट ली, न्यू पाछा तो घर आए थे ना ले मेरा भी लग गया, न्यू तो मेरा लगता था न्यू न्यू को पकड़ी थी मैं बार बार डाकू थी, न्यू तो मेरा फोन भी डाल लिया था गोलू पर नहीं डाल कर ताड़ी बजाई न्यू कर कर मान ले और झुकर चूने में भी फोन डाल ले न्यू कर कर न्यू फिर ऐडा डाल ले फिर को ताड़ी बजाऊ और उस चैन का मैं नहीं मेरा पटा और चैन गई कड़ा गई। तो कैसा लग रहा है चैन को खोने के बाद? चैन को खोने के बाद के रखे करड़ाई थी ठड़की कोई बात नहीं, हमारे भाग में कोनी होगी इतने दिन खातर थी वह गले में कोनी अरीब मम रो पिटा मल टनसन ले वह मिलनी तो है नहीं, कोई को देवा कोई 10 रुपये नहीं देवा, वह तो होगी सोने की चांदी 2 लाख रुपया की 2.5 तोले की थी, 60-70 हज़ार रुपये तोला सोना हो रहा बताऊँ मैं, तो मान लेटर 2 लाख रुपये तो राम पे होगी 2.5 तोले की थी वह, और ना टूट रही नहीं घिस रही नहीं जमा पक्की मजबूत चैन थी बिल्कुल हाथ की बनाई हुई, पहले पर्ची पर्ची रह गई उसकी, एक रोल का जजा का कोई फायदा नहीं, यूँ नुकसान भाग मत हो गया कोई बात नहीं, फिर बाबा के तो दर्शन हो गए बाबा का तो दिल खुश हो गया, पास में जाकर दर्शन हो गए बाबा के गुरु जी के, नहीं तो उन्होंने समस्या थी अभी मेरा दर्शन भी होंगे इतना होंगे इस जन्म में, और इन लोगों को फिर मुसीब छोरी का डाकू उड़ा जो बैठे पाएंगे नहीं उन तक का देख ले कोई चैन दुआ था नू कोई नहीं दुआ करा चैन कोई को नहीं ऐडा कोई देवा नहीं 50 रुपये भी और वह तो सोने की चैन होगी, एक राम जाना वह गाड़ी में पड़ी
राम जाना वा गाड़ी तो नहीं चपड़ी, राम जाना वा किसी ने तोड़ ली, मारे द्वारा कोई प्रूफे को नहीं, मतलब ले सहायक भी चने गायब हो गई, चने नहीं पाई, ये राम जाना कड़ा गई कड़ ना गई, टेंशन ले कर कोई फायदा नहीं कर रहे, देखो कोई फायदा जब बुढ़े तो खाली कड़ाने लग गए, आप गिर गए हो गिर गिर ने कोई को दिया करा कोई भी धरती पर कोई को नहीं देगा नहीं, या कोई थोड़ी है अगर बोड़ा कप्तान की बू जाटने का झुमका गिर गया, और मम्मा ने सोचा कड़ी तू दुकान पर था ठा लिया उस दिन, और था वो जो कर मैंने मखा दुकान पर देने लगे चढ़ता है रेल तागा लिया सूट सिमर जा कर दी सिलाई, मैंने सोचा तू दुकान वाले का बाड़क के खा लिया कि और देखा पहले उस लुगाई का था, फिर वह लुगाई भी कितना लो सोचा वह भी कितनी इज्जत करेगी मरदे दम तक, फट दिया मामना मामना लाल चौंधा ले मैं देवाई नहीं आ दुनिया आवे थोड़ा तो सिकड़ मारा को रोले नहीं था, तो अपने साथ क्यों आया ऐसा अपने साथ मेरा क्यों होया भगवान ने मेरा मन तो नू सोच हो रही नू मतलब नू टेंशन तो जावा लाले कोई चीज हुआ ये कोई को नहीं देव नू तो मन बेरा हा चमा बाबा ने भी कह दिया बाबा भी के दवा देगा बेचारा माले धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी वो भी के कर सकेगा इसमें माले शुक्र है तेरी कानना की बाड़ी भी नहीं कटी नू देख के रोड़ा पड़ी है राम जाना जमा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं बस इतना प्रूफ है भी मामा सड़े नौ नौ जैसी पहुंचे और सड़े नौ तक भी गले में थी वह 10 बजे तक भी थी सड़े नौ तक ही थी अले गले में अले उसके बाद फिर हम चले पड़े थे 10:30 नहीं 10:30 और गले पड़े लिए 9:30 पाछा अले देखा तो राम जाना वह राम है गिर गई राम जाना खरगाडी में पड़ा तो छोरा दे दिया मैं ले वो क्यों रखेगा तो वह केवरा गाड़ी तो चढ़ दिया पड़ गई वो केवरा किसी ने तोड़ लियो कोई जब मामला भी किस बात का ज्ञान को नहीं अगर वो अचानक गई तो गई कड़ा गई नू हम नुकसान हो गया घर में एक एक कमाई है काजल की नुकसान हो गया अरे नू तो मां भूखे भी नहीं मरते क्या ना भी सोचो अब भाई छोरी छोरी को मैं का देरी छोरी तो पहले भी तो रोटी खाओ थे और जब तक सा चालक ऊपर लेना धरती पता रहे रोटी तो हम खान दे रहेंगे ठंडू ना सोचा करो अब भी काजल ना मग जमा रोड पर लिया था ऐसा रोड पर लिया आला तो भगवान है इंसान के बस की बात को ना हाँ थम ना कहो गाई जिन्हू भी सोचा करो मेरी बेटी के पास गाट लग गया करो हाँ